नो, अपनी औलाद पर कड़ी नजर रखो कि वो कहाँ जाती है, कहाँ से आती है, उसके फ्रेंड्स कौन है, वो फोन पर किससे बात करती है, वो व्हाट्सएप पर किसके साथ चैटिंग करती है, वो फेसबुक पर किसके साथ फ्रेंडशिप कर रही है। ये चीजें बड़ी अहम है मेरी बहनों, आज के इस माहौल में, इस माशरे में। यकीनन तमाम माएं अपनी औलाद से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है, लेकिन मेरी बहनों अगर आप मोहब्बत करेंगी, कड़ी नजर नहीं रखेंगी, तो इस मोहब्बत के नतीजे में आपकी औलाद इस मोहब्बत का गलत फायदा उठाकर बेइज्जती, जिल्लत और रुसवाई की दलदल में आपको घसीटती हुई ले चले जाएगी। लिहाजा अपनी औलाद को सोने का निवाला खिलाइए, लेकिन उन पर कड़ी नजर रखिए। आज हमारे माहौल और माशरे में हर बच्चा और बच्ची को माँ बाप आसानी से फोन हाथ में थमा देते हैं। मेरी बहनों, मेरी एक गुजारिश है आप तमाम लोगों से, मेरी एक अपील है आप तमाम लोगों से, अपनी औलाद को फोन उसी वक्त दो जब आपकी औलाद को सख्त उसकी जरूरत महसूस हो, और फोन देते वक्त भी उनसे वादा लो कि मैं अल्लाह को गवाह बनाकर तुमको ये फोन दे रही हूं, लिहाजा तुम इस फोन से कोई गुनाह मत करना, कोई गलत चीजें मत देखना, और अपनी औलाद को ये हुक्म दो कि वो अपने फोन में पासवर्ड ना रखे, कोई ऐप लॉक ना रखे, कोई सीक्रेट लॉक ना रखे। अगर रखते भी है तो माँ बाप को जरूर मालूम होना चाहिए, क्योंकि मेरी बहनों आज के इस बिगड़ते हालात में आज की हमारी नौजवान नस्लें, आज हमारे नौजवान लड़के और लड़कियां फोनों में पासवर्ड इसीलिए रखती है, सिक्योरिटी कोड इसीलिए रखती है, पैटर्न लॉक इसीलिए रखती है, ताकि माँ बाप को पता ना चले कि वो फोन में क्या क्या करती है, वो क्या क्या देख रही है। अल्लाह के लिए मेरी बहनों, अल्लाह के लिए अपनी औलाद को ये हुक्म दो, इसके ऊपर जरूरी अपने घर में कदम उठाओ। आज हमारे घरों में, आज हमारे माशरे में वालिदैन बड़ी बेफिक्री से अपने नौजवान लड़के और लड़कियों को फोन के हाथ में थमा कर स्कूल और कॉलेजेस को भेज देते हैं, और माँ बाप को पता ही नहीं कि वो लड़के और लड़कियां फोनों में और कॉलेजेस में क्या क्या कर रही है, कितने सिम कार्ड्स बदल रही है, किस किस को मैसेजेस कर रही है, किस किस के साथ चैटिंग कर रही है, किस किस के साथ बाइकों पर घूम रही है, पार्कों में जा रही है, किस किस के साथ भागने और भगाने का प्लान बना रही है। मेरी बहनों 25 फरवरी, ये पिछले हफ्ते की 25 फरवरी 2019 की रिपोर्ट में आप तमाम लोगों को बता रही हूँ। 25 फरवरी 2019 के दिन तमाम के तमाम सोशल मीडिया ने इस बात को कवर किया है, तमाम के तमाम न्यूज चैनल्स ने इस बात को बताया है कि हमारी दो मुसलमान लड़कियां घरों से भागकर मुर्तद हो चुकी है, इस्लाम को छोड़ चुकी है। अब आप ये मत सोचना कि मेरी लड़कियां, मेरी बेटियां ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि ये जो लड़कियां भागी है या आज तक जितनी लड़कियां भागी है, उनके माँ बाप भी यही सोचते थे कि मेरी लड़कियां ये काम नहीं कर सकती। अल्लाह के लिए मेरी बहनों अपनी औलाद पर कड़ी नजर रखो, वो फोन में क्या क्या कर रही है, कहीं वो अपने स्कूल और कॉलेजेस के नाम पर किसी और के को मिलने के लिए तो नहीं जा रही है, फ्रेंड की शादी के नाम पर किसी और के साथ घूमने और फिरने के लिए तो नहीं जा रही है। हमारे नौजवान लड़के माँ बाप को कह देते हैं कि हम फला फला जगह हम घूमने के लिए जा रहे हैं, तो अपनी औलाद पर कड़ी नजर रखो कि वो घूमने और फिरने के नाम पर कोई गलत कामों में तो नहीं पड़ गए, कई जिनाकारी और बदकारी में तो वो नहीं पड़ गए। आज देखिए मेरी माँ और बहनों, हमारी नौजवान लड़कियां फोनों पर रात के 12-12 बजे तक घरों में जागती है, हमारे नौजवान लड़के रातों में 2 से 3 बजे तक बाहर रास्तों पर, चौराहों पर, नुक्कड़ों पर, चबूतरों पर फोनों को लेकर ही हा हा करते हुए, गंदी गंदी चीजें देखते हुए आज नजर आते हैं। अल्लाह के लिए मेरी माँ और बहनों, अगर आप अपनी औलाद के ऊपर कड़ी नजर नहीं रखेगी, तो ये औलाद आपके लिए सवाबे जारिया के बजाय आजाबे जारिया बन जाएगी, याद रखना मेरी बहनों। अल्लाह ने आपको ये जिम्मेदारी दी है, लिहाजा अपनी औलाद पर कड़ी नजर रखो।